ब्लैक एक निहायत ही खूबसूरत रंग। ब्लैक के मायने हैं ताकत, ब्लैक के मायने हैं अंधेरा, वो अंधेरा जिसमें झूठ और नफरत दोनों परोसी जा सकती है। और आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं ब्लैक कमल की, यानी कि ब्लैक बीजेपी की। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा, और आज न्यूज चक्र में आपके सामने ब्लैक कमल के अंतर्गत हम ये तीन मुद्दे परोसने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रियंका गांधी से इतनी नफरत कि खुद को नफरत के अंधेरे में बीजेपी ने दफन कर दिया है। हम आपके सामने रखने वाले हैं ऑपरेशन कमल का भाग तीन। जी हां, अगले दो महीनों में कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार पलटने की साजिश रची जा रही है। इसका पूरा ब्यौरा आप देखने वाले न्यूज चक्र में। और तीसरा, प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि किस तरह से विदेशों में जाकर विपक्ष के नेता भारत को बदनाम करते हैं। ऐसा है क्या प्रधानमंत्री जी? हम आपको बताएंगे हकीकत। तो ब्लैक कमल का आगाज करने वाले हैं प्रियंका गांधी से। जी हां, जैसे कि मैंने कहा ना कि ब्लैक का मतलब अंधेरा भी होता है, और इस अंधेरे में कहीं ना कहीं नफरत परोसी जा रही है। प्रियंका गांधी से इस कदर नफरत कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपके सामने ये चार चेहरे हैं जिन पर आपको गौर करना होगा। सबसे पहला चेहरा है आपके सामने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वघानी, दूसरा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, तीसरा चेहरा सुब्रमण्यम स्वामी, और चौथा चेहरा है आपके सामने बिहार के एक मंत्री जिनका नाम है विनोद नारायण झा। मैं आगाज करना चाहूंगा जीतू वघानी से। सबसे पहले आप सुनिए कि ये गुजराती में क्या कह रहे हैं। जनता नहीं साथे, कमांडो नहीं साथे, जेनी माज रिंगा ने बटेटू ने बटेटा ने मने हम जे हूं कहता है जे मर्जु ही खबर दे। देश नी धरोहर, देश नी संस्कृति जे हमने खबर नथी। घोड़िया मा कमांडो नहीं आरे जेनी माज, ही देश नी वातू करे लियो। तो सुना आपने, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आलू और बैंगन के बीच का फर्क नहीं पता, उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। जब वो पैदा हुए थे तब उनके आसपास कमांडोज थे, जब वो अपने पालने में थे, क्रिब में थे, तब वहां कमांडोज थे। और अब सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल्पना कीजिए जब उन्हें दूध पिलाया जा रहा था तब क्या हुआ होगा। नहीं, मैंने तब नहीं देखा। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है उससे खूबसूरत नजारा कोई नहीं हो सकता। उस नजारे को कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जितनी भी घटिया सोच हो, अश्लीलता से नहीं देख सकता। और अगर आपको उसमें भी अश्लीलता नजर आ रही है तो आपको अपने दिमाग को चेक कराने की जरूरत है। जीतू वघानी ने ब्रेस्ट फीडिंग को, स्तनपान को भी अश्लीलता से देखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रियंका गांधी को टारगेट करना था। क्या यह नफरत का अंधेरा नहीं है? क्या यह ब्लैक कमल नहीं है? अब हम रुक करना चाहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी का। कहते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर है प्रियंका गांधी को, वो प्रियंका गांधी जो बात बात पर लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। गौर फरमाइए इन महाशय पर। एक तो उसको एक बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है, वो है उसको बायपोलैरिटी कहते हैं। यानी उसकी कभी हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ती है और लोगों को पीटती है। दोस्तों, हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि प्रियंका गांधी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, और अगर है भी तो क्या एक बीमारी को मजाक के तौर पर सबके सामने इस तरह से रखना चाहिए, उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए? सवाल यहां पर यह हो गया है कि नफरत के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को किस हद तक दफन करने को राजी हैं? आखिर एक खूबसूरत कमल
क्यों ब्लैक कमल बनता जा रहा है। और अब आपके सामने इन दो चेहरों को देखिए। पहला चेहरा आपके सामने विनोद नारायण झा, बिहार के मंत्री हैं, एक सेक्सिस्ट टिप्पणी की है। क्या कह रहे हैं आप पहले सुनिए। आज भी सहमत हो कि कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। यानी कि प्रियंका गांधी की एकमात्र प्रतिभा उनके लुक्स हैं, उनकी खूबसूरती है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। हमारे बुजुर्ग नेता कभी लुक्स के आगे क्यों नहीं सोच सकते? देखिए, सवाल यहां पर यह है विनोद नारायण झा जी कि चेहरा अच्छा हो या बुरा एक अलग बात है, मगर आपको अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। और आपकी इस टिप्पणी ने साबित कर दिया है कि आपको अपनी अंदर की खूबसूरती पर काम करने की जरूरत है। और अब हम रुख करते हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी का, जी हां, जिनका नाता रहा है विवादास्पद बयान से। सुनिए क्या कह रहे हैं कैलाश। चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं, तो ये उनके अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है कि वो इस प्रकार की बात करें। कांग्रेस के पास कुछ फेस नहीं है और इसलिए उनके पास आत्मविश्वास की कमी है। पूरी दिल्ली से लेके यहाँ तक यदि आत्मविश्वास बड़ा होता तो प्रियंका जी को भी कांग्रेस छोड़ जाते हैं। तो लगता है कि हमारे लीडर को मदद की जरूरत है। तो कोई करुणा कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान खान का नाम चलाता है, प्रियंका जी को ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल जी के नेतृत्व के प्रति एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं है देश में कांग्रेस के कार्य। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कांग्रेस आखिर चॉकलेटी चेहरों को क्यों लाना चाहती है, यानी कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लुक्स के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको अगर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना है तो इससे आगे बढ़िए। आपने देखा जीतू वघानी ने किस तरह से शालीनता की तमाम हदों को पार करते हुए स्तनपान तक पर भी, ब्रेस्ट फीडिंग तक पर भी एक अश्लील टिप्पणी की है। ये कैसे लोग हैं, ये कहां से आ गए हैं जो इस तरह की लक्ष्मण रेखाओं को पार करने को राजी हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक कमल, और अब हम रुख करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जो उन्होंने अपनी एक रैली में दिया। क्या कह रहे हैं मोदी जी, पहले आप सुनिए। व्हाट इज इवन मोर बोरिंग इज दैट द एंटायर ऑपोजिशन, बी इट द कांग्रेस और द कम्युनिस्ट, have zero regard for any institutions. For them, every institution, the armed forces, the police, the CBI, the CAG, everyone is wrong. But they are right. They are also questioning the election commission, the entire nation was amused to see a press conference in London where on foreign soil India's democratic ethos was questioned. And who was spotted in that press conference? A topmost Congress leader. Is this your respect about institutions and our democracy? Is this what our politics has come to that now? You will even go on foreign soil to undermine the mandate of the people of India? Congress will have to answer the people of India on these issues. यानी कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर सरकार को बदनाम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने में लगे हुए हैं। तो आइए मोदी जी, सबसे पहले हम आपका ये बयान देखते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है,
ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। जी हां, आपका ये बयान जिसके मुताबिक आज से 4 साल पहले लोग खुद को भारतीय कहने में शर्मिंदा महसूस करते थे, तो अब बताइए मित्रों, भारत की तौहीन किसने की? अब सुनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। काम कठिन है लेकिन करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? कनाडा की जमीन में वो पिछली सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो अब बताइए मित्रों, विपक्ष या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी जमीन में जाकर आखिर कौन आलोचना कर रहा है अपनी सरकार की, अपने राजनेताओं की? और रही बात इंस्टीट्यूशंस की जिसका आपने जिक्र किया मोदी जी, तो चाहे सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सीवीसी हो, आरबीआई हो, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस पिछले 4 साल के बाद यानी कि इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए मोदी जी कि आखिर कौन जो है वो इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहा है? और ये अंधेरा है गलत बयानी का, ये अंधेरा है आपको भ्रम में रखने का, आपको झूठ बोलने का, इसीलिए ब्लैक कमल। आप देख रहे हैं ब्लैक कमल, और ब्लैक कमल के अंतर्गत अब हम रुक कर रहे हैं अपनी इस तीसरी पेशकश का, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। दोस्तों, मुझे यह पता चला है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी डावाडोल है, वहां फिर से तख्ता पलट कर सकती है, यानी कि ऑपरेशन कमल पार्ट 3। और इस बार सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, इसका रुख जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ भी रहेगा, और इसमें केंद्र में रहने वाले नेताओं के अलावा एक मुख्यमंत्री बहुत अहम किरदार निभा रहा है, और यही नहीं, केंद्र में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री भी एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है। और हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आखिर क्यों कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने से पहले ऐसा होगा, उसकी वजह बहुत साफ है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये दोनों ही राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पैसा मिलेगा, फंड्स मिलेगा। बीजेपी चाहती है कि इसे किसी तरह से चोक कर दिया जाए, यानी कि कांग्रेस के फंड्स में कटौती कर दी जाए, और यह कैसे होगा? जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा या गवर्नर्स रूल लगा दिया जाएगा, क्योंकि एक बार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहां जिस तरह से कांग्रेस को पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, और यहां सारा खेल दोस्तों पैसे का, प्रभाव का, और किस तरह से जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्हें मैनिपुलेट करना है। क्योंकि दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय का दरअसल प्लान क्या है। आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं, ये चाहें तो 15 दिन में सरकार गिरा सकते हैं। और ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं, जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। यानी कि मंशा तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस की हालत कितनी कमजोर है उसके लिए आपको वहां पर विधानसभा की स्थिति को देखना होगा। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, बीजेपी के पास 109, कांग्रेस के पास अपने दम पर 114, यानी कि बहुमत से एक कम उसे समर्थन मिल रहा है इंडिपेंडेंट्स, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है, और जिसका इशारा कैलाश विजयवर्गीय भी कर रहे हैं कि यहां पर बहुत आसानी से कांग्रेस की सरकार गिराई जा सकती है। अब कर्नाटक का रुख करते हैं। कर्नाटक में कुल 225 सीटें हैं विधानसभा में, यहां बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 104, कांग्रेस के पास 80 सीटें, जेडीएस 37 सीटें, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मगर कोशिशें क्यों की जा रही हैं? आपको नजर डालनी होगी 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कुल सीटें लोकसभा की 57 है, इनमें से मध्य प्रदेश में 29 यानी कि 29 और कर्नाटक में 28। भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जानती है कि उसका जो सबसे अच्छा चांस
इन दो राज्यों में दिखाई दे रहा है, और तब संभव होगा अगर उसके हाथ में ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होगी, उसके हाथ में पुलिस होगी, उसके हाथ में स्थानीय ऑफिशियल्स होंगे। क्योंकि दोस्तों एक थ्योरी मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार जो है चल रही थी कि किस तरह से स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन्स में किस तरह की धांधली की थी, यह थ्योरी थी। और इसका एक छोटा सा प्रमाण उभर कर आया था जैतपुर से। जैतपुर में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने सेकेंड इन कमांड से यह बातचीत कर रही थी, वो आपको दिखाई देगा इस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन के जरिए। यह बात अलग है कि दोनों अधिकारी जो इसे गलत बता रहे हैं, और यह खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टुडे से हमें पता चली है। तो आप देख सकते हैं कि अगर राज्यपाल शासन होगा और अधिकारी उनके हाथ में होंगे तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत आसान हो जाएगी। ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया फंड्स पर कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है, तमाम जो धन्ना सेठ हैं, तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बीजेपी के साथ खड़े हैं, अडानी अंबानी तमाम जो लोग हैं इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। और अब मैं आपके सामने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की यह स्टडी रखना चाहूंगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्टडी ये कहती है दोस्तों कि करीब अननोन सोर्सेस यानी कि अज्ञात सोर्सेस से पॉलिटिकल पार्टीज को 689 करोड़ रुपए मिले, और क्या आप जानते हैं कि इसमें से 80% पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में गया, यानी कि 553 करोड़ रुपए। अननोन सोर्सेस होते क्या है दोस्तों होता क्या है कि अगर आप 20,000 से कम का डोनेशन एक पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो आपको सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 20,000 होते 553 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की जेब में गया। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, अननोन सोर्सेस से भी पैसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कह क्या रहा है यह भी आप देखिए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यह कह रहा है कि सीआईसी ने एक रूलिंग दी थी जून 2013 में, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और यह भी कहा गया था कि 50% फंड्स इन पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रेस नहीं किए जाते, वो अननोन सोर्सेस से आ रहे हैं, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बात 2013 में कही गई थी और अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर काम नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा है बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये आपके लिए चिंताजनक बात नहीं है? दोस्तों न्यूज चक्र में आज हमने ब्लैक कमल का मुद्दा आपके सामने क्यों रखा? हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा ये मानना है कि सियासत को पारदर्शी होना चाहिए, और पिछले 4.5 साल में हुआ क्या है कि सियासत पारदर्शी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जो मर्जी कहें जो मर्जी करें उन्हें कटघरे में नहीं रखा जाता। आपने देखा कि चाहे पॉलिटिकल फंडिंग की बात हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे जिस तरह के बयानात उसके नेता अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में देते हैं। आपने देखा प्रियंका गांधी पर जिस तरह से हमला किया गया, वो भी स्तनपान को लेकर, एक मां अपनी बेटी को दूध पिला रही है उसको तक लेकर जलील किया गया। तो आप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, मगर क्या इस तरह से हमें अपनी लक्ष्मण रेखाएं पार करना चाहिए? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के नैरेटिव में शामिल होना चाहिए? क्या यह सवाल उठना नहीं चाहिए? जी हां, न्यूज चक्र में सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से जवाबदेही का यही सिलसिला हर हफ्ते जारी रहेगा, और हम उससे चूकेंगे नहीं। और मेरी आप सबसे अपील है कि आप हमारे इस शो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।